अस्सलाम वालेकुम, मैं डॉक्टर फातिमा रहमान हूँ। आई एम अ पीडियाट्रिशियन और मेरा ऑलमोस्ट बच्चों के साथ डील करने का एक्सपीरियंस जो है वो तकरीबन 8 to 10 ईयर्स है और आई वर्कड इन पाकिस्तान एंड इन आयरलैंड इज़ वेल। आज हम लोग ये वीडियो आपके साथ जो शेयर कर रहे हैं, इट इज़ बेसिकली एन अवेयरनेस वीडियो अबाउट टाइफॉइड। टाइफॉइड जो है वो बेसिकली एक वाटर बोर्न डिज़ीज़ है। इसका मतलब ये है कि ये गंदे पानी से जो है वो फैलती है फ्रॉम वन पर्सन टू दी अदर। और पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली नवंबर 2016 से एक एपिडेमिक आया हुआ है टाइफॉइड का। जो आउटब्रेक शुरू नवंबर 2016 में हुआ था, इस आउटब्रेक की खासियत ये थी कि दिस वाज टाइफॉइड सुपर बग। सुपर बग का मतलब ये है कि मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंट बग था ये। ऑप्शंस ट्रीटमेंट के लिए बहुत कम रह जाते हैं। उसका नुकसान एक ये भी होता है कि इट कॉजेज अननेसेसरी डिले इन ट्रीटमेंट। मतलब कि जो बग आप एंटीबायोटिक देने के 24 से 48 घंटे के बाद एक्सपेक्ट करते हैं कि आपकी बॉडी से ख़त्म होना शुरू हो जाएगा एंड एंटीबायोटिक विल स्टार्ट किकिंग इन, वो बग आपकी बॉडी में ही रहता है। देयर इज़ मोर चांसेस ऑफ कॉम्प्लिकेशंस और ज़्यादा चांसेस डेथ्स के भी हैं। इसका सबसे ज़्यादा इफेक्ट जो है वो अंडर 5 ईयर्स ऑफ एज चिल्ड्रन के ऊपर होता है। इस बीमारी में बहुत तेज़ बुखार होना, जिस्म का दुखना, सुस्त होना, बहुत शदीद सर दर्द होना, बाज़ुकात पेट में दर्द होना, और अगर कॉम्प्लिकेशंस हो जाएं तो खुदा ना ख्वास्ता आंतड़ियों का फटना या अगर दिमाग के ऊपर इफ़ेक्ट करे तो झटकों का लगना भी हो सकता है। अब हमारे पास जो ट्रीटमेंट ऑप्शंस मल्टीपल ड्रग रेजिस्टेंस की वजह से जो हैं बहुत लिमिटेड हैं। पहले हम लोग केफ्ट्राइक्जोन, जो एक एंटीबायोटिक है जो हम इंजेक्शंस के थ्रू देते थे, जो सुपर बग है इट इज़ रेजिस्टेंट टू केफ्ट्राइक्जोन इज़ वेल। तो इसका मतलब यह है कि हमारी ऑप्शंस और नैरो डाउन हो गई हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इस बग को कंट्रोल करें और इसके स्प्रेड को रोकें। दिस स्प्रेड इज़ मेनली लिमिटेड टू मेजॉरिटी एरियाज ऑफ सिंध, तो कराची, हैदराबाद, सांगर और इसके आसपास के इलाकों में जो है ये सबसे ज़्यादा आउटब्रेक है इस वक्त सुपर बग की। मुख्तलिफ वैक्सीन्स अवेलेबल हैं मार्केट में बहुत अरसे से। रिसेंटली एक कॉन्जिगेट वैक्सीन जो है वो मुतारिफ करवाई गई, विच इज़ WHO, मतलब के वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अप्रूव्ड। और इस वैक्सीन को जो है वो डिज़ाइन किया गया स्पेशली कि वो सैल्मोनेला टाइफी जो बग है, जो सुपर बग है, उसको केटर करें। टाइफॉइड कैन बी कॉज्ड बाय अदर ऑर्गेनिजम्स इज वेल। सैल्मोनेला की दूसरी फैमिली के ऑर्गेनिज्म से भी हो सकता है, लेकिन जो सबसे डेडली है और जो अभी रेजिस्टेंस में जो ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई किया गया है, दैट इज़ सैल्मोनेला टाइफी। इस वैक्सीन का फ़ायदा ये है कि इट इज़ वन डोज, आपको मल्टीपल डोजेज़ लेने की ज़रूरत नहीं है। वन डोज़ गिव्स यू गुड इम्यूनिटी और तकरीबन 3 to 7 ईयर्स में आप रीवैक्सीनेट करके अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट अप कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये है कि जो पिछली टाइफॉइड वैक्सीन्स थीं वो आप 2 साल से छोटे बच्चों को नहीं दे सकते थे। ये वैक्सीन सेफ है 6 months एंड अबव के लिए, मतलब 6 माह और इससे ऊपर के बच्चों को आप ये वैक्सीन दे सकते हैं, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। उस तीसरी अच्छी चीज़ जो इसमें हुई है वो ये हुई है कि पाकिस्तान हैज़ बिकम द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड जिसने इट इज़ ट्रीटेबल एंड इट इज़ प्रिवेंटेबल। प्रिवेंशन के लिए हमें कुछ काम करने हैं जो हमारे पर्सनल लेवल के काम हैं और फिर कुछ काम होते हैं गवर्नमेंट लेवल के, और इन दोनों चीज़ों के साथ मिलके हम इस बीमारी पे काबू पा सकते हैं। वैक्सीन को जो है वो नेशनल लेवल के ऊपर टेकअप कर लिया है, मतलब कि हमने गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया है कि इसको ग्रेजुअली, स्लोली एंड ग्रेजुअली पार्ट बनाया जाएगा हमारे नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम का, विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप। क्योंकि वैक्सीन्स बहुत महंगी होती हैं, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता और बहुत सारी जगहों पे वैक्सीन्स की रसाई भी नहीं होती है। तो अगर गवर्नमेंट किसी चीज़ को टेकअप कर ले तो उसका फ़ायदा ये होता है कि उसकी रसाई आम लोगों तक भी होती है और मुफ्त होती है। इसमें हमें इंटरनेशनल फंडिंग एजेंसीज भी फ़ंड करती हैं इस चीज़ के लिए, जिस तरह से हमारी पिछली बाकी कुछ वैक्सीन्स को भी वो कर रहे हैं।
तो विच इज़ अ वेरी गुड स्टेप. तो वैक्सीन डेफिनेटली इज अ वेरी पॉजिटिव स्टेप टूवर्ड्स प्रिवेंटिंग टाइफॉइड आउटब्रेक्स इन फ्यूचर. इसके अलावा कुछ काम ऐसे हैं जो हम अपने पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं और वो है हमारी हाइजीन रिलेटेड. नंबर वन, हैंड वॉशिंग, हाथ धोना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. साफ पानी भी बाद में आता है, पहले हाथ धोना, ठीक है, ये वी हैव टू मेक दिस अ हैबिट. खाने से पहले हाथ धोना, और जब भी आप बाथरूम यूज़ कर रहे हैं या बच्चों को डील कर रहे हैं उनकी सफाई में, उसके बाद हाथ धोना. किसी भी सोप, आम साबुन से हाथ धोना अच्छे तरीके से काफ़ी है. सेकेंडली, आप पानी बॉयल्ड इस्तेमाल करें अपने घरों में. पानी बॉयल करके या आप फिल्टर्ड वाटर यूज़ करें या केमिकली ट्रीटेड वाटर यूज़ करें. इसके अलावा आप स्ट्रीट फूड या बाहर खाने को अवॉइड करें. घर का पका हुआ खाना जो अच्छी तरह से पका हुआ हो उसको तरजीह दें. रॉ मीट या रॉ फिश, मतलब के अंडर कुक भी इसी कैटेगरी में आएगा, कि जो गोश्त, चाहे वो बकरे का है, गाय का है, मछली का है, चिकन का है, जो प्रॉपरली कुक नहीं हुआ हुआ, उसको अवॉइड करें. अच्छी तरह से पका के गोश्त को इस्तेमाल करें. तो इन सारे प्रिवेंटिव मेजर्स के साथ आई विल कम वंस अगेन टू द इम्पॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन. वैक्सीन अभी क्योंकि बिल्कुल रिसेंटली गवर्नमेंट ने ये इनिशिएटिव टेकअप किया है और 15 नवंबर से 2 weeks की कैंपेन रन की जा रही है, जिसमें टारगेट करें कि ऑलमोस्ट 1 crore बच्चों को जो है वो वैक्सीनेट किया जाएगा सिंध में. तो ऑब्वियसली आई एम श्योर के लोगों के जहन में कुछ क्वेश्चंस होंगे इसको लेके, अबाउट इट्स सेफ्टी एंड एफिकेसी एज हैज़ बिन विद प्रीवियस वैक्सीनेशंस इज़ वेल. तो उसमें आई वुड लाइक टू जस्ट से वन थिंग हियर, कि दिस वैक्सीन इज़ अप्रूव्ड बाय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन. जब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन किसी भी मेडिसिन या वैक्सीन को अप्रूव करती है, तो देयर इज़ अ लॉट ऑफ ईयर्स ऑफ रिसर्च एंड प्री टेस्टिंग. ये वैक्सीन पाकिस्तान में अर्ली दिस ईयर से ऑलरेडी यूज़ में है, सिंध के मोस्टली सिंध के इलाकों में. एंड इट इज़ ऑल्सो लिस्टेड ऑन WHO's वेबसाइट एज वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड सेफेस्ट मेडिसिन. सो आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर हमें वैक्सीनेट करने का मौका मिल रहा है अपने बच्चों को, तो वी डू वैक्सीनेट देम, क्योंकि अंडर 5 years ऑफ एज बच्चों की इम्यूनिटी और इम्यून रिस्पॉन्स को देखते हुए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि हम उन्हें वैक्सीनेट. सो विद दिस मैसेज आई विश यू ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग.